कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है कि तमाम जो वोट पटुआ लोग हैं उनके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। आज हम 60 से शुरू करेंगे और बीजेपी का सूखा साफ होना है। मुख्यमंत्री कांग्रेस में कांग्रेसी होगा पहली चीज, दूसरी चीज विधायक और तमाम हाई कमान के लोग बैठकर इसको चुनाव के बाद तय करेंगे जो कौन जीतना है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी हैं। आज घोषणा पत्र जारी होने के मौके पे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए हैं। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत करते हैं। आलोक जी, जिस तरह की घोषणाएं घोषणा पत्र में करी गई हैं, सभी पार्टियां बड़े तरह के वादे कर रही हैं, उन वादों पे कांग्रेस किस तरह से खरी उतरेगी? देखिए, हमारी सरकार आ रही है, पूरा स्टडी करने के बाद, तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद घोषणा पत्र बनाया गया है। उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हरियाणा का जो विकास रुका हुआ है, ठप हो गया है, उसको आगे बढ़ाते हुए चहुंमुखी विकास की ओर में लेकर जाना है। एक एक बिंदु पर ध्यान और पूरी तरह से स्टडी करने के बाद यह निर्णय लिया है। ये पहला चुनाव इस तरह का हरियाणा के अंदर हो रहा है जिसके अंदर की बहुत सारी पार्टियां खड़ी हैं, और उन पार्टियों का किस तरह से भविष्य देखते हैं? मुकाबला किसमें आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है या मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होने जा रहा है? देखिए, शुरू में बहुत सारी पार्टियां जब आती हैं चुनाव लड़ने के लिए ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अब इलेक्शन सेटल हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है कि तमाम जो वोट पटुआ लोग हैं उनके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। मुझे लगता है कि आज हम 60 से शुरू करेंगे और बीजेपी का सूखा साफ होना चाहिए। जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा है कर्मचारियों का, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है और पीपीपी का मुद्दा है, तो इन मुद्दों को लेकर जो है जनता काफी परेशान रही है, इन मुद्दों से किस तरह से छुटकारा जनता को दिलाएंगे? देखिए, हमने ये जो पोर्टल वाली सरकार है, पहले से भी हम अपने वक्तव्यों में कहते आए हैं, मैनिफेस्टो में भी है, जो तमाम पोर्टल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जनता को सहूलियत मिलने की जगह परेशानी हुई है, उन तमाम पोर्टल्स को बंद कर। एक मुख्यमंत्री को चेहरे के लेके बार बार सवाल उठ रहा है कांग्रेस के अंदर भी, तो आपको क्या लगता है कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री होगा या कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी? कि मुख्यमंत्री कांग्रेस में कांग्रेसी होगा पहली चीज, दूसरी चीज विधायक और तमाम हाईकमान के लोग बैठकर इसको चुनाव के बाद तय करेंगे जो कौन जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है दलाल और दामाद जैसे शब्दों का जो उपयोग करा है, आपको क्या लगता है कि ये भाषा उचित है? जिस व्यक्ति की जैसी मानसिक सोच होती है, जिस व्यक्ति का जो मानसिक स्तर होता है, उसी तरह के वक्तव्य और शब्दावली का वो इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि इस तरह की शब्दावली से उनका जो पद है वो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा घटती है। मोदी जी, जरा सोच समझ के बोले। तो ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा, जिनका कहना है कि शब्दों का चयन जो है राजनीति में बड़े ध्यान से करना चाहिए और कांग्रेस हर घोषणा पत्र के मुद्दों को जो है पूरा करने का प्रयास करेगी। साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए, खुशविंदर धालीवाल के साथ।